नमस्कार दोस्तों, अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप बुरी तरीके से हैंग हो रहा है, उसमें सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी देरी से ओपन हो रहे हैं, मतलब आपके कंप्यूटर की स्पीड है वो पहले के मुकाबले अब काफ़ी स्लो हो गई है, तो उसे कैसे फास्ट करेंगे वो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने 10 पॉइंट बताए हैं। उन पॉइंट के अंदर जो जो बता रखा है वो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर अप्लाई करते हो तो आप अपने कंप्यूटर की स्पीड है वो काफ़ी फास्ट कर सकते हो। तो इन पॉइंट के अंदर क्या है तो वो तो आपको वीडियो देखने पर ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो अब आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। अगर दोस्तों आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको इन पॉइंट्स को फॉलो करना ही होगा, जो कि मैंने पहले पॉइंट में क्या बता रखा है, आपको अपने विंडोज़ को अपडेट रखना है। मतलब कि देखना है पहले तो कि आपका विंडोज है वो अपडेट है या फिर नहीं है। यहाँ पे आपके विंडोज़ के अंदर कोई भी अपडेट मांग रहा है तो उसे अपडेट कर लीजिए, उसके कारण भी स्पीड है वो काफ़ी स्लो होती है। लाइक मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जाना है आपको स्टार्ट पे टैप करना है, उसके बाद में सेटिंग वाले सेक्शन में टैप करना है, फिर जाना है आपको विंडो अपडेट के अंदर, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरा विंडो है वो ऑलरेडी अपडेट है। मतलब कि आपको देखना है यहाँ पे आपके विंडो के अंदर अपडेट मांग रहा है तो यहाँ से अपडेट कर लीजिए, इससे भी आपके कंप्यूटर की स्पीड है वो स्लो होती है। दोस्तों, दूसरे नंबर पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है, लाइक आप कंप्यूटर पर जब भी काम कर रहे होते हो तो उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी जो एप्लीकेशन है वो रन हो रही होती है, लाइक उनका आपको काम नहीं होता है उसके बाद में भी वो रन हो रही होती है बाय डिफॉल्ट, तो उन्हें जाके आपको डिसेबल करना है। लाइक वो कैसे करेंगे, आपको सर्च करना है स्टार्टअप, तो यहाँ पर स्टार्टअप ऐप्स आ गया है। जिस एप्लीकेशन को आप बैकग्राउंड में रन करवाना चाहते हो उसे यहाँ से ऑन कर दीजिएगा, जिसे रन नहीं करवाना चाहते उसे यहाँ से ऑफ कर दीजिएगा। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे पीसी मैनेजर करके एप्लीकेशन है इसको ही सिर्फ ऑन रखा है, बाकी को सबको ऑफ कर दिया, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर कर देना है। दोस्तों, तीसरे नंबर पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है, आपके कंप्यूटर ने जो भी टेम्परेरी फाइल क्रिएट की है उन फाइल को जाके डिलीट कर देना है। लाइक उन फाइल का आपको भी कोई यूज नहीं होता है और आपके कंप्यूटर को भी कोई यूज नहीं होता है, तो उन फाइल को डिलीट करना ही सही होगा। तो यहाँ पे आपको डिलीट कैसे करना है, आपको प्रेस करना है विंडोज प्लस आर, उसके बाद में यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको टाइप करना है विंडोज प्लस आर, तो आपके सामने यह पेज ओपन होगा, छोटा सा विंडो, उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है परसेंटेज, फिर यहाँ पे स्मॉल लेटर में आपको लिखना है टेम्प, फिर वापस से परसेंटेज, तो आपके सामने जितनी भी जो टेम्परेरी फाइल है वो आ जाएगी, इन्हें आपको डिलीट कर देना है, कंट्रोल ए करके सेलेक्ट ऑल, उसके बाद में डिलीट कर देना है। दोस्तों, जो भी डिलीट नहीं हो रही है, मतलब कि यह बैकग्राउंड में काम कर रही है, तो इन्हें आप रहने दीजिए, बाद में डिलीट कर देना, तो मैं इन्हें स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकती है यह जितनी भी जो फाइलें हैं, तो इन्हें एक एक डिलीट करने जाओगे तो यह भी डिलीट हो जाएगी। अब दोस्तों, चौथे नंबर पॉइंट के अंदर आपको प्रीफेज फाइल रहती है उन्हें भी आपको डिलीट करना है, यह भी सेम प्रोसेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ, विंडोज आर करके वापस से यह छोटा विंडो है वो आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे आपको टाइप करना है प्रीफेज, तो यहाँ पे टाइप करके ओके कर देना है, तो इन्हें भी आपको सबको डिलीट कर देना है, सेलेक्ट ऑल करके फिर यहाँ पे डिलीट, यहाँ पे देख सकती है जो भी प्रीफेज फाइल थी वो सारी की सारी डिलीट हो गई है। अब यहाँ पे इसको भी कर देते हैं क्लोज। दोस्तों, चौथा पॉइंट है वो हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं पांचवें पॉइंट के ऊपर। पांचवें पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है, आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेसर लगा हुआ है उसके अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट रहता है, जो नंबर रहता है, लाइक 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, जो भी हाईएस्ट नंबर रहेगा बूट का वो आपको सेट कर देना है। वो कैसे करेंगे तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं, फिर आपको टाइप करना है विंडोज प्लस आर, यह टैब ओपन हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे टाइप करना है स्मॉल लेटर में ms config, फिर कर देना ओके, यह टैब आ जाएगा, उसके बाद में बूट पे ओके कर देना, फिर यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस के अंदर जाना है, आपके सामने यह नंबर ऑफ प्रोसेसर आएगा उस पर आपको टिक कर देना है, फिर यहाँ पे आपको जो भी हाईएस्ट नंबर दिखे आपके कंप्यूटर के अंदर आपके प्रोसेसर के हिसाब से वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है, फिर यहाँ से कर देना है ओके, फिर यहाँ पे अप्लाई, तो अप्लाई तो हमने कर दिया। अब जैसे ही ओके पे टैप करोगे तो हमारा पीसी है वो रिस्टार्ट हो जाएगा और आपके कंप्यूटर की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी।
मतलब मैं अभी के लिए रहने देता हूँ, क्योंकि अभी जैसे ही मैं करूँगा तो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो ऑफ हो जाएगा, तो अभी मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ क्लोज। लेकिन आपको यहाँ पे यह करना है दोस्तों। पांचवा पॉइंट भी क्लियर हो गया, अब आते हैं सट्टे पॉइंट के अंदर। सट्टे पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है, जितनी भी जो अननेसेसरी एप्लीकेशन है जिनका आपको यूज नहीं होता, आप उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन एप्लीकेशन को यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट पे ओके करना है, सेटिंग वाले सेक्शन में ओके करना है, फिर आपको ऐप्स पे जाना है, फिर यहाँ पे इंस्टॉल ऐप्स पे जाना है, फिर यहाँ पे देखना है दोस्तों कि आपको जिन जिन एप्लीकेशन का काम नहीं है उन्हें यहाँ से थ्री डॉट पे ओके करके अनइंस्टॉल कर देना है। मतलब जो भी आपके काम की एप्लीकेशन है उसको ही रखना है, अननेसेसरी एप्लीकेशन है उन्हें सबको यहाँ पे हटा देना है, तो आपके कंप्यूटर का जो स्पीड है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों हमारा सट्टा पॉइंट हो गया क्लियर, अब आते हैं सातवें पॉइंट के ऊपर। सातवें पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है, लाइक आपने कोई भी अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की स्पीड को फास्ट करने के लिए कोई थर्ड पार्टी का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज किया है या फिर इंस्टॉल करके रखा है और यूज कर रहे हो, तो आपको अभी का अभी अनइंस्टॉल कर देना है, क्योंकि यह आपके कंप्यूटर को फास्ट तो नहीं करेगा लेकिन स्लो जरूर कर देगा। वैसे दोस्तों अगर आप Windows 10 है, Windows 11 है, 11 Pro यूज कर रहे हो आप अपने PC या फिर लैपटॉप के अंदर, तो इनका बाय डिफ़ॉल्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रहता है विंडोज डिफेंडर करके, वो भी काफ़ी तगड़ा काम करता है। जैसा कि आपको क्या करना है, स्टार्ट पे ओके करना है, फिर यहाँ पे सेटिंग वाले सेक्शन में ओके कर देना है, फिर यहाँ पे आपको लिखना है वायरस एंड थ्रेट, तो यहाँ पे यह आ जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यह विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो कि काफ़ी तगड़ा काम करता है। यहाँ पे जैसे ही आप स्कैन करोगे तो इसके अंदर PC के अंदर जो भी वायरस रहेंगे यह पकड़ लेगा ऑटोमेटिकली, तो आप इसका यूज कर सकते हो, ना कि कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। दोस्तों हमारा सातवां पॉइंट हो गया क्लियर, अब आते हैं आठवें पॉइंट के ऊपर। आठवें पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है, जो कंप्यूटर का स्टोरेज सेंस रहता है उसको आपको इनेबल कर देना है, ऑन कर देना है। लाइक जो भी टेम्परेरी फाइल क्रिएट हो रही है आपके कंप्यूटर के अंदर उसे ऑटोमेटिकली यह डिलीट करता जाएगा, तो आपका स्टोरेज है वो काफ़ी खाली होता जाएगा और आपके PC की जो स्पीड है वो भी काफ़ी इंक्रीज होगी अगर यह सेटिंग आप ऑन करते हो तो। तो यहाँ पे इस वाले सेटिंग को कैसे ऑन करोगे, आपको सर्च करना है स्टोरेज सेंस, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने तो ऑलरेडी ऑन करके ही रखा है, तो आपको इसे ऑन कर देना है। इससे आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी जो टेम्परेरी फाइल बन रही है वो ऑटोमेटिकली यह हटा देगा, तो आपको इसे इनेबल करके ही रखना है, ऑन करके ही रखना है। दोस्तों आठवां पॉइंट तो हो गया क्लियर, अब आते हैं नवे पॉइंट के ऊपर। नवे पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है, कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज करना है, तो आपको अपना जो सी ड्राइव है कंप्यूटर का उसको आपको खाली रखना है। लाइक इसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन को नहीं भरना है, और भरते भी हो तो दूसरे ड्राइव के अंदर आपको मूव कर देना है। यहाँ पे कोई भी आपको डाउनलोड नहीं करना है इसके अंदर, लाइक आप डाउनलोड भी करते हो तो वो आप तुरंत मूव कर दीजिएगा दूसरे फाइल मैनेजर के अंदर, जो दूसरा ड्राइव है उसके अंदर, क्योंकि इस ड्राइव के अंदर आप अपना जो भी विंडोज रहेगा, जो इंस्टॉल रहेगा उसे ही रहने दीजिए, तो आपके कंप्यूटर का जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारा नवा पॉइंट तो हो गया क्लियर, अब बचा है दसवां आखिरी पॉइंट। इस पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है, कंप्यूटर के जितने भी जो विजुअल इफेक्ट है, जो एनिमेशन है, वो आपको ऑफ कर देने। लाइक आपके जो फंड का स्टाइल है, या फिर आप कोई भी फोल्डर को ओपन करते हो तो आपके सामने जो लोडिंग का आइकन आता है वो उसको आपको ऑफ कर देना है। इससे कंप्यूटर के अंदर कोई भी खराबी तो नहीं होगी लेकिन आपके कंप्यूटर का स्पीड है वो पहले से काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एनिमेशन है वो काफ़ी आपके कंप्यूटर को स्लो कर देती है। तो दोस्तों एनिमेशन को कैसे ऑफ करेंगे, तो सबसे पहले आपको सर्च करना व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ सर्च व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग, तो इस पर आपको टैप कर देना है। जैसे ही टैप करोगे तो आपके सामने यह पेज ओपन हो जाएगा, उसके बाद में आपको एडवांस के अंदर सेटिंग पे ओके कर देना है। यहाँ पे देख सकती है विजुअल इफेक्ट्स है वो आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही यह सभी एनिमेशन है वो अनटिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब जो आपके कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। यहाँ पे इनको अनटिक करके रखते हो तो फिर आपको क्या करना है, अप्लाई पे ओके कर देना है, फिर यहाँ पे ओके कर देना है। दोस्तों यहाँ पे जो 10-10 पॉइंट बताए हैं उन्हें अप्लाई करके आपको लास्ट में कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर देना है, तो आपके कंप्यूटर की स्पीड है पहले से काफ़ी फास्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने स्लो लैपटॉप या कंप्यूटर को काफ़ी फास्ट है वो कर सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा है या फिर आपका कंप्यूटर काफ़ी स्लो हो गया है तो इन पॉइंट को आप अपने कंप्यूटर पर अप्लाई करिएगा, आपका कंप्यूटर काफ़ी फास्ट हो जाएगा।
तो बस इस वीडियो के अंदर यही इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को एक लाइक शेयर, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।